वेलकम बैक दोस्तों, नवा अनदर वीडियो, दिस इज द ब्रोवर्ड। आज के वीडियो में हम ऐसे एंटरप्रेन्योर के बारे में बात करेंगे जो बताते हैं कि लाइफ में कोई भी काम छोटा नहीं होता, और अगर आपका विजन और गोल क्लियर हो तो चाय बेचने जैसा छोटा स्टेप भी लाइफ में आपको सक्सेस दिला सकता है। हम यहाँ बात कर रहे हैं MBA चाय वाला फ्रेंचाइजी के ओनर प्रफुल बिलोरे की। एक MBA स्टूडेंट होने के बावजूद प्रफुल ने चाय की दुकान खोली और आज उनका टर्नओवर करोड़ों में है। आज के वीडियो में हम प्रफुल बिल्लौरे के बारे में बात करेंगे, तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आपको लाइफ में सीखना है तो अपने उम्र से 3-4 साल बड़े लोगों से दोस्ती करो, या तो वो पैसे में बड़े होना चाहिए, या दिमाग में बड़े होना चाहिए, उम्र में बड़े होने चाहिए, अनुभव में बड़े होने चाहिए, तो वो आपको सिखा पाएंगे। अब मैं अपनी उम्र के बच्चों से बात करूंगा तो क्या बात होगी? वहाँ खाने चले, वो लड़की का या लड़के का नंबर है, आप समझ रहे हो क्या बातें होगी? पर मैं अपने से 4 साल उम्र दराज बंदे से बात करूंगा तो वो मेरे को 4 चीज सिखाए, अरे प्रफुल ये क्या पागलपंती कर रहा है, ऐसे टाइम वेस्ट मत कर। प्रफुल बिल्लौरे का जन्म इंदौर के एक मिडिल क्लास फैमिली में हुआ था। प्रफुल के पेरेंट्स का सपना था कि उनका बेटा MBA करके एक अच्छी सी जॉब करे। प्रफुल भी अपने पेरेंट्स के सपने को पूरा करने के लिए कैट की तैयारी कर रहे थे। लगातार 2.5 साल प्रिपरेशन करने के बाद भी प्रफुल 2 बार कैट में फेल हो गए। इतनी मेहनत करने के बाद भी मनचाही जगह एडमिशन ना होने से प्रफुल काफी निराश हो गए और डिप्रेस होके उन्होंने पढ़ाई छोड़ने का फैसला कर लिया और कुछ समय तक सबसे दूर होके देश के अलग अलग जगह घूमते रहे। प्रफुल ने एक इंटरव्यू में बताया कि वो इस दौरान बिना एक भी रुपए खर्च करे देश के अलग अलग जगह घूमते रहे। प्रफुल का कहना है कि अगर आपको अच्छे से बात करना आता है तो आप पूरी दुनिया फ्री में घूम सकते हैं। आई एम टेलिंग यू कि मैं पूरी दुनिया बिना पैसे से घूम सकता हूँ, वो दिमाग मेरे अंदर आ चुका है। क्या बात है, मतलब कोई बोले ना दुनिया घूमने के लिए पैसे चाहिए, मैं बोलता हूँ कुछ पैसा नहीं चाहिए, आपके पास अकल होनी चाहिए, जिबान पे मिठास होनी चाहिए। काफी शहर घूमने के बाद आखिर में प्रफुल ने अहमदाबाद रुकने का फैसला किया। यहाँ पे इन्होंने मैकडोनल्ड में जॉब करना शुरू किया। इस दौरान जब घर से घर वालों का फोन आता तो प्रफुल उन्हें झूठ बोल देते कि वो MBA की प्रिपरेशन कर रहे हैं। हालांकि बार बार झूठ बोलना प्रफुल को अच्छा नहीं लगता था, जिसके वजह से पास ही के एक MBA कॉलेज में एडमिशन ले लिया। लेकिन कुछ ही दिनों बाद पढ़ाई में मन न लगने से प्रफुल ने कॉलेज को छोड़ दिया और 37 रुपए प्रति घंटे की सैलरी पे मैकडोनल्ड्स में जॉब करने लगे। यहाँ इनका काम लोगों के बचे हुए कूड़े को उठाकर डस्टबिन में फेंकना था। प्रफुल के काम में डेडिकेशन को देखकर उनको प्रमोशन मिलते रहे। उन्होंने बर्गर बनाने से लेकर ऑर्डर लेने तक सारे काम किए, जिससे हर रोज उनकी अलग अलग लोगों से बात होती रहती थी। प्रफुल बताते हैं कि इस दौरान प्रफुल ने अपने बिजनेस के लिए बहुत सी चीजें सीखी। कुछ टाइम बाद प्रफुल ने अपना कुछ स्टार्ट करने का फैसला किया और सोचा कि क्यों ना वो ऐसी चीज का बिजनेस करें जो लोगों की नीड को पूरा करे और उसे हर इवेंट पे यूज किया जाए। ऐसे में प्रफुल के दिमाग में एक ही चीज थी और वो थी चाय, जो कि पूरे देश में बड़े चाव से पी जाती है। कैट की प्रिपरेशन के दौरान भी चाय ने ही प्रफुल को जिंदा रखा था। अपने चाय के बिजनेस को शुरू करने के लिए प्रफुल ने अपने घर वालों से झूठ बोलकर कि वो कोई ऑनलाइन कोर्स कर रहे हैं ये कहकर 15,000 रुपए ले लिए और चाय बनाने के लिए जरूरी सामान खरीदा और अहमदाबाद के SGI रोड पे अपनी दुकान लगाई। पहले दिन दुकान पर कोई नहीं आया और एक भी चाय नहीं बिकी। उस टाइम प्रफुल के दोस्त भी प्रफुल को ये सब छोड़कर MBA की तैयारी करने को कहते थे, लेकिन फिर भी इन्होंने हार नहीं मानी और अगले दिन फिर अपनी दुकान लगाई और इस बार वो अपनी चाय दूसरों के पास ले जाकर इंग्लिश में बात करके बड़े प्यार से सर्व करने लगे। लोगों को भी काफी क्यूरियोसिटी होती थी कि इतनी अच्छी इंग्लिश बोलने वाला बंदा चाय क्यों बेच रहा है, जिससे वो अगले दिन फिर प्रफुल की दुकान पर आते। प्रफुल भी इन्हें अपनी MBA ड्रॉप की कहानी सुनाते और प्यार से चाय सर्व करते। धीरे धीरे प्रफुल लोगों के बीच काफी पॉपुलर होने लगे। अब लोग प्रफुल के चाय का इंतजार करने लगे, लेकिन प्रॉब्लम तब आई जब आसपास के बाकी चाय वाले प्रफुल की सक्सेस से जलने लगे। पुलिस और लोकल गुंडों की मदद से इन सब ने मिलकर प्रफुल की दुकान को वहां से हटा दिया, जहां प्रफुल ने इतनी मेहनत करके अपने कस्टमर को बनाया था। इस बार भी उन्होंने हार नहीं मानी और नई और बेहतर तरीके से अपनी स्टॉल को दोबारा शुरू करने का डिसाइड किया और पुराने कस्टमर भी प्रफुल को टेक्स्ट करके पूछने लगे कि इस बार प्रफुल अपनी स्टॉल कहाँ खोलेंगे। इस बार प्रफुल ने अपनी दुकान एक हॉस्पिटल के सामने खोली और अपनी स्टॉल का नाम रखा मिस्टर बिल्लौरे चाय वाला। बिल्लौरे सब बिलियनेयर से मिलता था, जिसकी वजह से लोग प्रफुल का मजाक उड़ाते थे, जिसकी वजह से प्रफुल ने यह नाम बदल कर MBA चाय वाला कर दिया। इस नाम से लोग उन्हें जानने भी लगे थे। MBA चाय वाले की फुल फॉर्म मिस्टर बिल्लौरे अहमदाबाद चाय वाला है। इस बार प्रफुल ने अपने स्टॉल में नए नए फ्लेवर्स को ऐड भी किया और साथ ही वो अलग अलग स्नैक्स भी बेचने लगे।
प्रफुल का विजन क्लियर था, उनको एमबीए चाय वाला को बस एक स्टॉल तक ही नहीं सीमित रखना था, जिसके लिए उन्होंने अपने स्टॉल के बाहर दो बोर्ड्स लगा दिए और वहां लिख दिया जिसको जॉब चाहिए वो अपना नंबर यहां लिख दे, और दूसरे बोर्ड पे लिखा कि अगर किसी के यहाँ वैकेंसी खाली हो तो वो अपना नाम और नंबर इस बोर्ड पे लिख दे। ये आइडिया बहुत पॉपुलर हुआ, धीरे धीरे लोगों की प्रफुल के दुकान से नौकरियां लगने लगी, बड़े बड़े डील्स प्रफुल के स्टॉल पे होने लगे, लोगों के बीच नए रिलेशनशिप्स बनने लगे और अब प्रफुल बिल्लौरे के पास फ्रेंचाइजी के ऑफर भी आने लगे। प्रफुल चाहते थे कि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक एमबीए चाय वाला की सिर्फ नाम ही नहीं बल्कि चाय भी पहुंचे, जिसके लिए वो शादी पार्टी, ब्लड कैंप, पॉलिटिकल कैंप, म्यूजिकल इवेंट्स, लोकल इवेंट्स, नेचर कैंप जैसे बहुत से इवेंट पे पार्टिसिपेट किया। उन्होंने केवल 2 साल में ही करीब 200 से ज्यादा इवेंट्स किए और अब उन्हें दुबई, बैंकॉक, USA, ऑस्ट्रेलिया जैसे बड़े बड़े देशों में मैरिज इवेंट्स के लिए एज ए सेलिब्रिटी चाय वाला के तौर पर बुलाया जाता है। ऐसे करते करते आज प्रफुल बिल्लौरे देश के दूसरे सबसे पॉपुलर चाय वाले हैं और आज एमबीए चाय वाला का टर्नओवर करोड़ों में जा चुका है। हाल ही में प्रफुल को उन कॉलेजों में एज अ गेस्ट लेक्चर देने के लिए बुलाया गया था जहां कभी इनको एमबीए के लिए रिजेक्ट कर दिया था। आज अपनी फ्रेंचाइजी संभालने के अलावा एंटरप्रेन्योरल क्लासेस, मोटिवेशन स्पीच, लेक्चर्स, टेड टॉक्स भी देते हैं। प्रफुल बिल्लौरे की कहानी हमें सिखाती है कि ड्रीम बिग, स्टार्ट स्मॉल एंड एक्ट नाउ। लाइफ में एक छोटा सा स्टार्ट भी हमें अपनी मंजिल तक पहुंचा सकता है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और हमें हमारे इंस्टाग्राम और ट्विटर हैंडल पर जरूर फॉलो करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।